महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में तहसील मुख्यालय पर पुरानी तहसील परिसर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकों ने एकत्रित होकर हड़ताल के दौरान धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता पूजा मानधनिया, श्वेता सोलंकी, मीना खराड़िया, सपना कारपेंटर, सीमा शेख ने बताया कि लंबे समय से हमारे द्वारा परमानेंट किए जाने एवं वेतन वृद्धि की मांग सरकार से की जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के बैनर तले बागली एवं कमलापुर सेक्टर की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं 28 जनवरी तक हड़ताल पर है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। तारीख से लगातार जो हमारी बहनें धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है, क्योंकि आज से पहले भी हमने मतलब कई बार गवर्नमेंट से डिमांड की है कि हमारी कार्यकर्ता बहनों को परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए, लेकिन सरकार की बेरुखी बिल्कुल हमेशा देखने को मिलती है। हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे द्वारा ही विभाग के अन्य सभी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे विभाग का काम छुड़वाकर हमसे दिन रात दूसरे विभाग का काम करवाया जा रहा है, लेकिन हमको सम्मानजनक मानदेय आज तक नहीं मिला है। और जो हमारी बहनें हैं, 2 महीने से निरंतर उनको मानदेय नहीं मिल रहा, तो बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारी जो बहनें हैं ना, काफ़ी दूर दूर से आती है, ना तो उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिल पाता है, और कुछ बहनों का घर इसी के ऊपर डिपेंड है, और उनको समय पर तनख्वाह भी नहीं मिल पाती, तो वो अपना घर कैसे चलाएंगी। यदि मांग आपकी पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रूपरेखा? अगर मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन जो हमारा निरंतर जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे, और शासन के द्वारा जो भी काम दिया गया हम किसी भी काम को नहीं करेंगे। ये हमारी डिमांड है कि हमें नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए, और हमें एक सम्मानजनक मानदेय 18,000 दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।